माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हमारे बीच में एक माँ मौजूद हैं जो कि बेसिकली असम से हैं पर दिल्ली में रहती हैं, थोड़ा परेशान हैं और उनकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ कहना चाहती हैं मधुमिता सेन गुप्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है, मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। पायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है, क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर मां बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे मां बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोकने, मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए, मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विषयों की चर्चा करते रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। अदरवाइज जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है, कभी कभी मां बाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है लेकिन परीक्षा के दिनों के कुछ दिन पहले बीमार हो जाता है तो मां बाप का पसीना छूट जाता है। अरे भाई, पहले उसको किताब पढ़ाता है, कहीं खेल के मैदान में भी तो भेजना था। आप में से कभी सोचिए, मैं कभी मेरा ये मेरी बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा ये पिछले मुख्यमंत्री साहब तब से एक लगातार कार्यक्रम चल रहा है, अब रूप उसका रंग बदलता जा, लेकिन मैं करता रहता हूं। मैंने देखा है कि मैं कभी बच्चों को पूछता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में चार बार मेहनत करने के कारण पसीना आया है शरीर पे, आप हैरान हो जाएंगे। गांव के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है, अब ऐसी कैसी जिंदगी,
हंसना खेलना खुले मैदान में, ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए और वो एक नई ऊर्जा देता है। और इसलिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे हो, मैं स्वयं टेक्नोलॉजी बहुत शक्तिशाली मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं खुद इसका उपयोग आज भी, जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात कर रहा हूं, उसका कारण टेक्नोलॉजी का उपयोग है। तो एक ही चीज के दो अच्छे पहलू होते हैं, एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है। आपकी ये चिंता सही है, लेकिन आप उसके साथ बैठिए, उसको कभी आप काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा चावल पकाते हैं, देखो बेटा टेक्नोलॉजी में जरा ढूंढ के मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल। तो उसको लगेगा हाँ माँ, मुझे टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को चावल पकाने का नागालैंड की पद्धति क्या है वो सीखना चाहती है, वो टेक्नोलॉजी आप दोनों को जोड़ने का कारण बन सकती है और उसका भी मन टेक्नोलॉजी से नई नई चीजें जानी जा सकती है, सीखी जा सकती है, जो जीवन में काम आ सकती है उस पर आप धीरे 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 उसको ले जा सकते हैं। आप कभी उसको पूछ सकते हैं कि भाई आज हमने सुना है कि स्पेस में ऐसा हुआ है, या आज हमने सुना है कि साइक्लोन आना है, तो तुम देखो जरा ये साइक्लोन आने की खबर कैसे देते हैं ये। तो वही बच्चा उसमें काम करेगा। आप उसको धीरे 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 टेक्नोलॉजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइए और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा विकास की दिशा, तो गलत रास्ते पर जाने से बजाय, समय बर्बाद करने के बजाय, खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाय, और मैं समझता हूं जुरा प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो, तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें।